नमस्कार। बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक गदर एक प्रेम कथा को दर्शकों ने जमकर प्यार दिया था। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर थी। अब 20 साल बाद सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा गदर 2 की कहानी के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देंगे। गदर के सीक्वल की घोषणा दशहरे के खास मौके पर की गई है। अब सोशल मीडिया पर लोग गदर 2 के ऐलान होने के बाद काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब होगा असली तांडव, एक्साइटमेंट लेवल। एक दूसरे यूजर ने लिखा, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ब्लॉकबस्टर मूवी। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, वाओ, जस्ट अभी न्यूज में सुना ही था, म्यूजिक, डायरेक्टर, स्टार कास्ट, एवरीवन इज ऑसम, एक्साइटमेंट लेवल। एक और यूजर ने लिखा, मच मच अवेटेड, तारा सिंह इज बैक विद हैंडपंप। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, अब पाकिस्तान की खैर नहीं, साथ में चाइना भी। एक और यूजर ने लिखा, लगता है इस मूवी में सनी भाई पूरा पाकिस्तान उखाड़ कर लाएंगे। तो देखा आपने लोगों में गदर 2 को लेकर किस तरह का भौकाल मचा हुआ है। बता दें, गदर 2 में एक बार फिर सनी देओल अपने किरदार तारा सिंह में नजर आएंगे और अमीषा सकीना के किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म में उत्कर्ष शर्मा तारा और सकीना के बेटे जीत की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म को जी स्टूडियोज द्वारा बनाया जाएगा। ये फिल्म अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनेगी। कहानी शक्तिमान द्वारा लिखी जाएगी और संगीत मिथुन द्वारा कंपोज किया जाएगा। इसके जल्द ही फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। फिल्म का मोशन पोस्टर वायरल हो रहा है। वहीं गदर 2 को लेकर सनी देओल ने कहा, इस कैरेक्टर ने दर्शकों के दिलों में एक स्पेशल जगह बनाई है। इस फिल्म का दर्शकों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि तब लोग मुझे तारा सिंह कहने लगे थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके कैरेक्टर के साथ कहानी कैसे इर्द गिर्द घूमती है। ये अब तक के मेरे सबसे पसंदीदा प्रदर्शनों में से एक है। बताते चले, गदर साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल के अलावा अमरीश पुरी ने विलन की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है ये भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आप गदर 2 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।